Hey, what's up guys? Welcome back once again. दोस्तों आज की कहानी एक ऐसे परिवार की है जो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए एक दूसरे देश में जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि यहां तो सिविल वॉर शुरू हो गई है। अब वैसे सिचुएशन में क्या करेंगे, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, जगह है नॉर्थ एशिया का एक देश जहाँ पर हाई क्वालिफाइड लोगों को देखते हैं जो किसी मीटिंग में बिजी है। वहां पर उनके साथ एक कार्डिफ कंपनी के CEO भी मौजूद है, साथ में देश के प्रधानमंत्री भी है। घंटों तक बातचीत चलती रहती है, जिसके बाद CEO को खुद प्रधानमंत्री का खास आदमी उन्हें गाड़ी तक छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे कुछ गोलियों की आवाज सुनाई देती है। और जब वो वापस भागते हुए अंदर जाता है तो उसे वहाँ PM मरे हुए मिलते हैं। उन्हें गोलियों से भून दिया गया था और ये असल में वहाँ के लोगों ने ही किया था जो शायद उग्रवादी थे। आप इन्हें किसी भी नाम से बुला सकते, इनकी कुछ अपनी मांगे थी जिसे शायद PM पूरा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब क्या होगा, अब देश में दंगे हो सकते हैं, लोग की जाने जा सकती हैं। इसी को जानने के लिए हम चलते हैं 17 घंटे पहले, जहां पर हम इसी कहानी के अहम किरदार से रूबरू होंगे, जिनका नाम है जॉन, उसकी वाइफ एनी और उसकी दो छोटी बेटियां। ये असल में कार्डिफ कंपनी के लिए काम करते हैं और US से यहां पर अपनी कंपनी के कहने पर आई है। खैर, सभी लोग बहुत एक्साइटेड होते हैं और ये 4 घंटे की लंबी फ्लाइट को लेकर पहुंच जाते हैं उसी देश में जहां पर अभी तक सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन जैसे कि आपने कहानी की शुरुआत में देखा था, धीरे धीरे करके चीजें अब बिगड़ना शुरू होंगी। एयरपोर्ट पर जॉन को बताया गया कि उसे पिक करने के लिए ऑफिस की तरफ से कार भेजी गई, लेकिन बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो नहीं आती, इसीलिए जॉन का मूड खराब हो जाता है। वो बार बार कंपनी को कॉल करता है लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। तभी उसे वहां पे हेमंत नाम का आदमी मिलता है जो उसका ही को पैसेंजर था। उसकी और जॉन की फ्लाइट में काफी बातचीत भी हुई थी, इसीलिए वो कहता है कि अगर आप लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही है तो मेरा एक दोस्त आ रहा है, वो आपको वहां पर छोड़ सकता है जहां पर आप रुके हुए। वो मान जाता और फिर कार के आने का इंतजार करता है। उस ड्राइवर का नाम हेनरी था जो कि हेमंत का काफी अच्छा दोस्त था। उसके हसमुख मिजाज को देख कर सभी बहुत खुश होते हैं, इसीलिए जॉन बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ बैठ जाता है और फिर निकल जाते हैं होटल की ओर। दरअसल हेमंत भी उसी होटल में ठहरा हुआ है। अब रास्ते में जॉन देखता है कि शहर के हालात कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि हर तरफ बहुत सन्नाटा है, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं होता है, क्योंकि अभी तो सिर्फ 6 बजे। उधर एनी भी कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन वो उसे शांत रहने को बोलता है। कुछ देर बाद ये लोग होटल पहुंच जाते हैं, जहां के रिसेप्शन पे जॉन की अपनी फोटो लगी हुई थी। उसे देखकर उसे थोड़ा सा सुकून मिलता है। वो चाबियां लेकर अपने रूम में चला जाता है। फ्रेश होने के बाद वो अपनी TV को ऑन करता है, लेकिन वो ऑन होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसीलिए वो फिर से नीचे जाता है। जाते जाते वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या अभी तक कोई कार्डिफ कंपनी से मेरे लिए कॉल आया, तो वो मना कर देते, इसीलिए वो फिर से अपने रूम की ओर चला जाता है। देर रात वो हेमंत के साथ बार भी जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी बातें करते हैं, जिसके बाद फिर जॉन आकर सो जाता है। लेकिन बीच रात उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ वहां पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए उठता है तो खिड़की के बाहर देखता है। उसे वहां पर रोड पर कुछ हलचल महसूस होती है, जो कि यहाँ पर कोई नई बात नहीं थी। जब वो वॉशरूम जाता है तो उसे एनी कोने में बैठी हुई दिखती है, जो काफी डरी और सहमी सी लग रही थी। वो उसे बताती है कि उसे ये देश सही नहीं लग रहा है। दरअसल एनी पेरिस जाना चाहती थी, लेकिन जॉन के कहने पर वो यहाँ पर आई है। वो उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही मेरा काम खत्म हो जाएगा उसी दिन हम लोग वापस चले जाएंगे। तब जाकर वो थोड़ा शांत होती है और सो जाती है। अब अगली सुबह जॉन फिर से नीचे जाता है, वही सवाल पूछता है कि क्या अभी तक कोई मेरे लिए कॉल आया है, तो वो मना करता है। जाते जाते वो फिर से रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या यहाँ आसपास कहीं पर कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर बेचता है, तो वो आदमी उसे मैप के जरिए यहाँ की लोकेशन को बताता है और उसे समझाता है कि कुछ ही दूरी पर एक दुकान है। जॉन लोकेशन को देखकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन अफसोस कि वो चचा उसे 3 दिन पुराना न्यूज़पेपर दे रहे थे, जिसे देखकर जॉन उन पर थोड़ा गुस्सा करता है। वहां पर वो एक और चीज नोटिस करता है कि वहां के लोग किसी भी वाइट इंसान को देखकर काफी अजीब सा बिहेव कर रहे थे। पर तभी कुछ हलचल होना शुरू हो जाती है, सभी लोग अपनी दुकानों को जल्दी जल्दी बंद करने लगते हैं। जॉन पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर उसे आर्मी खड़ी दिखाई देती है, जिसके हाथ लाठियां नहीं बल्कि बंदूकें थी। और दूसरी ओर जब वो देखता है तो वहां पर उसे कुछ लोकल लोग दिखाई देते जो कि किसी तरह का प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है, ये हमें आगे पता चलेगा। अब जॉन के लिए यहाँ पर सबसे पहली चीज थी, वो फौरन तो अपने होटल पहुंचे, क्योंकि वहां उसका परिवार अकेला है। वो भागना शुरू करता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि वो लोग पहचान गए थे कि ये एक अमेरिकन है और वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। जॉन वहां के गलियों से अनजान था, इसीलिए उसे कुछ समझ नहीं आता वो कहां जाए। उसे जो भी रास्ता दिखाई दे रहा था वो उसी ओर बढ़ने लगता है, और रास्ते में बस लोगों की लाशें और खून उसे दिखाई दे रहा था, और इन सब का सामना उसका पहली बार हुआ था। अब वो अपने होटल के बैक साइड पर पहुंचता है
लेकिन वहां वो जो देखता है उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती। असल में कुछ उग्रवादी लोगों ने होटल के स्टाफ मेंबर को बंदी बना लिया है और अब वो उसे सभी के सामने एक एक करके मार देंगे। जॉन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वहां लगी एक स्टेयर से ऊपर चढ़ना शुरू करता है। लेकिन इतने में उग्रवादी उसे देख लेते हैं, जिसके बाद होना क्या था, एक एक करके सभी ऊपर चढ़ना शुरू कर देते हैं। पर जॉन के ऊपर पहुंच जाने के बाद वो उन सीढ़ियों को तोड़ देता है, जिससे कि वो नीचे रह जाते हैं। अब वो होटल की एक खिड़की को तोड़कर अंदर घुस जाता है और लिफ्ट से ऊपर की ओर जाता है। बीच में उसे दिखाई देता है कि कुछ लोग अब अंदर घुस आए हैं और वो बिना रुके अंधाधुंध गोलियां चला रहे हैं, जिससे न जाने कितने सारे विजिटर और होटल मेंबर मारे जाते हैं। लेकिन जॉन को इस समय बस अपने परिवार की चिंता है। वो फौरन अपने रूम में जाता और आयनी को यहाँ से निकलने के लिए बोलता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि असल में ये सब चल क्या रहा है। तो वो बताता है कि नीचे लोग एक दूसरे को मार रहे हैं और वो बाहर से आए हुए लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं। हमें फौरन होटल से बाहर किसी सेफ जगह पर जाना होगा। पर रानी बताती है कि ल्यूसी उसकी बेटी नीचे पूल में नहा रही है, वहाँ उसके साथ कोई भी नहीं है। और ये सुनकर वो भागते हुए उसे बचाने के लिए जाता है। अब उसके जाने के बाद एनी गेट से बाहर देखती है तो उसे सामने वाले रूम में दो लोग दिखाई देते हैं जिनके कपड़े खून से सने हुए थे। वो एक फॉरेन लेडी के साथ जबरदस्ती कर रहे थे। उसकी चीखें सुनकर एनी के रोंगटे खड़े हो जाते। वो अपनी दूसरी बेटी बीस को अंदर भेज देती है और बोलती है कि बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो, कैसे भी करके वो लोग यहाँ से बाहर निकल जाए। अब यहाँ पर जॉन अपनी बेटी को बचा लेता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। लेकिन इतने में वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो कि दरवाजे को तोड़ना फोड़ना शुरू करते हैं। लेकिन जॉन होशियारी दिखाता और गेट को लॉक करके लूसी को लेके पीछे वाले सीढ़ियों से ऊपर की ओर जाने लगता। पर वो लोग चारों ओर होटल के फैल चुके थे। वहां पर भी जॉन का सामना उनसे हो जाता है। उसके साथ एक और आदमी भी था जिसके हाथ में हथियार भी होता है। लेकिन तभी वहां पर हेमंड आ जाता है, जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो जॉन की मदद करता उन लोगों को मार गिराता है। उसे ये भी बताता है कि तुम अपने परिवार को लेकर छत की ओर जाओ, वहां पर सेफ रहोगे। लेकिन पहले तो जॉन को एनी के पास जाना होगा, जो कि अभी बहुत ही डरी हुई है। जॉन उसके पास पहुंचता है। वो अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश होती है। इसके बाद वो लोग अपना सारा सामान छोड़कर ऊपर की ओर भागना शुरू करते हैं। वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि और भी लोग छत पर मौजूद हैं। वहां रिसेप्शनिस्ट भी थी, जिससे जॉन पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है। कहता है कि मुझे ज्यादा कुछ पता तो नहीं है, क्योंकि मेरी जॉब यहाँ पर नहीं है। लेकिन हाँ, मैंने न्यूज में देखा था कि इन लोगों ने अपने प्रधानमंत्री को मार दिया, जो किसी कार्डिफ नाम की कंपनी के साथ डील कर रहे थे। तभी एक व्हाइट मैन बिल्डिंग से नीचे देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि वहां पर कई सारे लोग हथियार लेकर खड़े थे। उनकी बस एक ही मांग थी कि कैसे भी करके ये लोग उन सारे लोगों को मार दें। लेकिन यहाँ जॉन को कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में इसके पीछे की वजह क्या है। तभी एक फ्रेंच आदमी कहता है कि मुझे बताया कि ये सब क्यों हो रहा है। लेकिन जॉन को तो उसकी भाषा समझ नहीं आती, पर उसकी वाइफ को फ्रेंच आती थी, इसलिए वो उसे ट्रांसलेट करके बताती है कि दरअसल जॉन की जो कंपनी है कार्डिफ, वो यहाँ पर आई थी अपनी एक डील को लेकर। वो इस देश के सारे वाटर मिनरल को खरीदना चाहती थी और इसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हें भी खरीदना चाहती थी, जिस पर परमिशन इनके पीएम ने दे दी। लेकिन ऐसा करने पर इनके कुछ दिन बाद पैसों की जरूरत पड़ना शुरू हो जाती है और तब आगे आता है अमेरिका, जो कि इस देश को लोन देता है। अगर इन्होंने एक बारी लोन ले लिया तो फिर क्या हाल होता है इन्हें अच्छे से पता था, क्योंकि अमेरिका की लोन की टर्म्स एंड कंडीशन किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है। और इसीलिए इन्होंने डील कैंसिल करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को ही मार दिया। और जितने भी अमेरिकन यहाँ पर फंसे हुए हैं वो सभी को चुन चुन कर मार रहे हैं। जॉन को यकीन नहीं होता कि उसके पीठ पीछे ऐसा भी कुछ हो रहा है। लेकिन अब उसे यहाँ से बाहर निकलने का सोचना होगा। सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। लेकिन तभी इनकी नजर आते हुए एक हेलीकॉप्टर पर पड़ती है। सभी को लगता है कि वो शायद बच जाएंगे, लेकिन असल में वो हेलीकॉप्टर अमेरिकन आर्मी का नहीं बल्कि उन रेबल्स का था। और अब इन पर लगातार गोलियां चलना शुरू हो जाती है। सभी बचने के लिए इधर से उधर भागने लगते हैं। कितने तो उस इमारत के नीचे कूद जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। इधर जॉन अपने परिवार को लेकर कोई सेफ जगह पर भाग रहा था जहां पर वो उन गोलियों से बच सके। और तभी एक हादसा हो जाता है। जो हेलीकॉप्टर उड़ रहा था उसमें से एक वायर टकरा जाता है, जिसकी वजह से वो वहीं छत पर क्रैश हो जाता है। हालांकि इसमें जॉन और एनी को कुछ नहीं होता, लेकिन इस धमाके में उस जगह का गेट टूट जाता है, जिसके वजह से वो उग्रवादी अंदर घुस जाते हैं। अगर जॉन को वहां से भागना है तो साइड वाली बिल्डिंग में छलांग मारनी होगी, जो कि खतरनाक हो सकता है। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो मरेगा, इसीलिए वो एनी को सबसे पहले कूदने को बोलता है। वो कूद जाती है, जिसके बाद जॉन अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी दोनों बेटियों को भी उस पार फेंक देता है और आखिर में वो खुद भी कूद जाता है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है कि एक उग्रवादी उसका ही पोस्टर लेकर खड़ा है, जिसमें उसकी ही फोटो थी। और वो ये करके दिखाना चाह रहा था कि अब सबकी नजर उसी पर है और अगली बारी उसकी है। इसके बाद वो उस बिल्डिंग के नीचे जाता है। जब वो बाहर देखता है तो वो लोग उस इमारत के सामने टैंक को लेकर आ गए थे, क्योंकि अब वो उस टैंक से हमला करने वाले हैं, जिसकी वजह से वो भागना शुरू कर देता है। पर इतने में वो गोला दाग देते हैं और छत गिर जाती है।
जिसके मलबे में दबकर सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जॉन और उसकी फैमिली उसी मलबे के पीछे छुप जाते हैं। तब तक वहां पर और लोग आ जाते हैं और सभी को मारने पीटने लगते हैं, लेकिन वो जॉन को देख नहीं पाते, जिसकी वजह से पूरी रात वो वहीं गुजार देता है। लेकिन तभी वहां पर एक लोकल आदमी आता है जो इन्हें देख लेता है। पर जॉन उसे समझाता है कि मेरे साथ बच्चे हैं, इसीलिए तुम्हें नहीं बताना चाहिए, पर वो नहीं मानता और चिल्ला देता है। और यहाँ पर मजबूरन जॉन को उस बंदे को मारना पड़ता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है। अब ये सब देखकर एनी बहुत डरी हुई थी। उधर जॉन जब बाहर देखता है तो उसका दिल ही दहल जाता है। पूरे शहर में दहशत मची हुई थी। अभी बस एक ही चारा था, कैसी भी करके इन्हें अमेरिकन एम्बेसी की ओर जाना पड़ेगा। अब यहाँ जॉन सबसे पहले एक मैप ढूंढता है जिसकी मदद से वो एम्बेसी की ओर जा सके। यहाँ वो सबसे पहले उस आदमी के कपड़े पहन लेता और फिर बाहर खड़ी एक बाइक से उस ओर जाना शुरू करता है। कुछ ही दूरी पर इन्हें वो भीड़ दिख जाती है जो सभी की जान के दुश्मन बने हुए हैं। एनी बाइक को मोड़ने को कहती है, लेकिन वो मना करता है और उन्हीं के बीच से होकर निकल जाता है। लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाता और ना ही एनी को। अब ये लोग फाइनली एम्बेसी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो तो पहले बर्बाद हो चुकी है। जॉन अंदर जाता है तो देखता है कि इन लोगों ने पहले उस जगह को बर्बाद कर दिया, सभी को मार दिया, पूरी एम्बेसी खाली है। वो एनी के पास आता और फिर वहां से दूसरी ओर जाने लगता है, जहां पर उन्हें एक बूढ़े आदमी का घर दिखाई देता है जो उन्हें अपने गार्डन में छुपा लेता है। लेकिन वो वहां भी आ गए थे और इन्हें ढूंढने लगते। तभी जॉन को एक बंदूक दिखाई देती है, जिसे पाने के लिए वो उसके पास जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। इसीलिए एनी चिल्लाना शुरू कर देती है जिससे वो लोग जॉन को छोड़ दे, लेकिन असल में होता इसका उल्टा है। वो दोनों को ही पकड़ लेते और एनी के साथ जबरदस्ती करने लगते, लेकिन इतने में वहां पर हेमंड आ जाता है। फिर से यहाँ पर जॉन की जान बचा लेता है और उन्हें एक सेफ जगह पर ले जाता है, जहाँ पर वो उसे कुछ खाने को भी देता है। यहाँ वो जॉन को बताता है कि देखो, उस नदी के पार वियतनाम का बॉर्डर टच होता है, हमें कैसे भी करके उस पार जाना है, तभी हम बच सकते हैं। जॉन उसको थैंक यू कहता है क्योंकि उसने उसके परिवार की दो बार जान बचाई थी। लेकिन हेमंत कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं एक ब्रिटिश CIA ऑफिसर हूँ, मेरा फर्ज है लोगों की मदद करना, लेकिन फिलहाल तुम लोग जाकर सो जाओ। लेकिन दोस्तों, बीच रात में इन लोगों पर हमला हो जाता और अंधाधुन गोलियां चलने लगती है। हेमंत को भी एक गोली लग जाती है, लेकिन वो जॉन को यहाँ से भागने को बोलता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। वो उसकी बात को मान लेता और वहां से जाने लगता है और बोट के पास पहुंच जाता है। पर इतने में वहां पर उसका मालिक आ जाता है, जिसको वो अपनी घड़ी, अपने जूते, सब कुछ दे देता है, जो उसके लिए समय पर कुछ मायने नहीं रखते। उधर हेमंत ने दूर से आते हुए एक ट्रक को उड़ा देता है, लेकिन अंत में वो भी उसमें मारा जाता है। उधर वो बोट वाला आदमी मान जाता और इन्हें अपनी बोट दे देता है, जिसके बाद वो वहां से जाने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन इतनी आसानी से वो इन्हें जाने तो नहीं देंगे। वो सभी इन्हें पकड़ लेते हैं और जॉन के ऊपर बंदूक तान देते हैं। पर लूसी बाहर आती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो इतनी छोटी सी बच्ची क्या ही कर पाएगी। और इसीलिए वो लोग उसके हाथ में बंदूक देते हैं और कहते हैं कि आज तुम खुद अपने डैड को मारोगी और तभी हम तुम्हें जाने देंगे। जॉन भी समझदार था, वो उसे ट्रिगर को चलाने को कहता है, लेकिन लूसी ऐसा कर नहीं पाती। इतने में वहां पर एनी आ जाती है और सभी पर हमला कर देती है, और इसी में जॉन भी उन पर हावी हो जाता है, जिसके बाद वो सभी बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। लेकिन अभी इनकी कठिनाइयां खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आगे जाकर इन्हें वियतनाम आर्मी मिल जाती है, जिन्हें लगता है कि शायद ये लोग उस रेबल का हिस्सा है, इसीलिए वो सभी इन पर बंदूक तान देते हैं। लेकिन जॉन अपने हाथ खड़े कर देता और धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। उधर से वो उग्रवादी भी अब इनके पीछे ही थे, लेकिन तब तक जॉन बोट लेकर बॉर्डर के करीब पहुंच जाता है, जिसकी वजह से वियतनाम आर्मी उन रेबल की ओर बंदूक तान देती है, क्योंकि अब वो उनके देश के अंदर आ गए थे और ऐसे में वो गोली नहीं चला सकते। अगर उन्होंने गोली चलाई तो दोनों देश के बीच में जंग हो जाएगी और ये लोग आर्मी से जीत नहीं पाएंगे, इसीलिए वो उग्रवादी पीछे हट जाते हैं और वापस चले जाते हैं। इसके बाद आर्मी सभी को उतारती है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करती है, और आखिर में हम उन्हें सही सलामत देखते हैं। जॉन अपने दोनों बेटियों से कहता है कि तुम्हें हेमंत अंकल जैसा बनना चाहिए, जो कि दूसरों की मदद करते हैं बिना अपनी जान की परवाह किए। यहाँ पर सभी लोग बहुत खुश थे और इसी के साथ ये कहानी ये खत्म हो जाती है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।